भारत में हम ताजमहल को प्यार की सबसे बड़ी निशानी मानते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। भारत में एक और ऐसी सीक्रेट जगह है जो ताजमहल से भी बड़ा आइकॉन ऑफ लव है, और इसकी एंट्री फीस 0 है, और यहाँ पे लाखों लोग रोते हुए आते हैं लेकिन हंसते हुए जाते हैं। आखिर ये जगह कौन सी है? इसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर प्यार होता क्या है। व्हाट इज लव? एक्चुअली आई डोंट नो। और इतने बड़े सवाल का जवाब मैं अकेले दे भी नहीं सकता। आई नीड हेल्प ऑफ अ फ्रेंड, दुराबजी टाटा। रतन टाटा को हम सब जानते हैं, JRD की महानता मानते हैं, जमशेद जी की आइकॉनिक स्टोरी बच्चों को बताते हैं, लेकिन हमारी कहानी के हीरो हैं दुराबजी टाटा। भारत की पहली टीम को ओलंपिक भेजने में इनका ही हाथ था। इन्होंने पर्सनली हमारी हॉकी टीम को फंड किया, वही टीम जो बाद में हमारे लिए गोल्ड जीती। 14 फरवरी 1898 यानी वैलेंटाइन डे पर उनकी शादी इस कहानी की हीरोइन मेहरबाई से हुई। और प्यार में जैसे हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, 2 साल बाद उन्होंने अपनी एनिवर्सरी पर अपने वाइफ को एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक डायमंड। छोटा मोटा डायमंड नहीं, कोहिनूर से 2 गुना बड़ा डायमंड। वजन 245 कैरेट, कीमत 1,00,000 पाउंड यानी आज के जमाने में 131 करोड़ रुपए। इसका नाम था जुबली डायमंड। लंदन के जिन कारीगरों ने इस हीरे पर काम किया, उन्होंने सोचा इंग्लैंड की महारानी के सर का ताज होगा ये हीरा। लेकिन टाटा के कुछ और ही प्लान्स थे। उन्होंने अपनी वाइफ मेहरबाई के लिए हीरा खरीदा, और मेहरबाई थी भी उतनी स्पेशल। When the whole world didn't allow women to vote, then she asked this question, हमारी वुमेन्स लीडर्स क्यों नहीं हो सकती? चाहे US के प्रेसिडेंट से मिलना हो या इंग्लैंड के राजा रानी से, वो ड्रेस नहीं एक साड़ी पहनती थी, अपने कल्चर को बड़े शान से दिखाती थी, और उसी के साथ ये हीरा भी। जो इंग्लैंड की महारानी का भी नहीं हो सका, टाटा ने वो अपनी बीवी के लिए खरीदा। प्यार क्या होता है? शायद महंगे गिफ्ट देना ही प्यार है। तो फिर ये डायमंड कहाँ गया? जमशेद जी टाटा के बाद दोराबजी टाटा ने उनके सारे बिजनेसेस की डोर संभाली। टाटा भारत स्टील सेक्टर में सबसे बेहतरीन कंपनी तो थी, लेकिन स्टील सेक्टर में विश्व की सबसे बेहतरीन कंपनी बनने के कगार पे थी। लेकिन टाटा को किसी की बुरी नजर लग गई। World War I के बाद टाटास पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पैसे नहीं थे, लेबरर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। 1924 में दोराबजी टाटा को खबर आई कि ट्रेजरी में से सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। मजदूरों को मेहनताने देने तक के पैसे नहीं थे। अपने पति को और कंपनी को मुसीबत में देखकर मेहरबाई ने क्या किया? बिना किसी टेंशन के अपनी सारी ज्वेलरी गिरवी रख दी। उस समय उसकी टोटल वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए, इसमें जुबली डायमंड भी शामिल था। तब बैंक से लोन लेकर टाटा ने अपने सारे मजदूरों को रोजगार दिया। एक भी मजदूर को नौकरी गंवानी नहीं पड़ी। प्यार क्या होता है? शायद किसी अपने के लिए अपनी सारी चीजें सैक्रिफाइस कर देना, यही प्यार है। कुछ सालों बाद इसी सैक्रिफाइस की वजह से कंपनी ने रिकवर किया, और फिर से टाटा स्टील विश्व की सबसे बेस्ट कंपनी बनने के कगार पे आ गई। मेहरबाई और दोराब जी के इसी सैक्रिफाइस की वजह से आज टाटा कंपनी जिंदा है। धीरे धीरे करके दोराब जी ने अपने बीवी के सारे गहने भी बैंक से छुड़वा लिए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन प्यार की असली परीक्षा भी बाकी थी। 1931 में मेहरबाई ने अपनी गोल्डन जुबली मनाई। वो 50 साल की थी तब उन्हें उनके कैंसर के बारे में पता चला। उनके पास ज्यादा समय नहीं था, और दोराब जी ने बड़े से बड़े डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जो इंसान अपने मजदूरों की इतनी चिंता करता है, उनके लिए इस हद तक जाता है, तो सोचिए उसने अपने प्यार को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया होगा। लेकिन इस लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। 1931 में मेहरबाई चल बसी, और उसके अगले साल ही दोराब जी भी। लेकिन गुजरने से पहले उन्होंने अपने प्यार की एक निशानी पीछे जरूर छोड़ी। वो जुबली डायमंड याद है ना आपको? उसी जुबली डायमंड को बेचकर एक ट्रस्ट की शुरुआत करी, दोराब जी टाटा ट्रस्ट, जिससे मुंबई में एक इमारत बनी जो हमारे हीरो हीरोइन के प्यार की निशानी है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। प्यार क्या होता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि हर साल 64,000 कैंसर पेशेंट्स टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल विजिट करते हैं, जिसमें से 70% पेशेंट्स को अपनी सारी ट्रीटमेंट फ्री में मिलती है। जिस कैंसर ने मेहरबाई को हराया, उस कैंसर को हराने की जंग आज भी जारी है, हमारे हीरो हीरोइन को गुजरने के 90 साल बाद भी। जब तक ये लोग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंसर से जीतते रहेंगे, तब तक कैंसर नहीं जीतेगा। प्यार क्या होता है? एक सुंदर बिल्डिंग या एक सुंदर सिंबल। एक बादशाह ने अपनी बिल्डिंग से इतना प्यार किया कि उसको बनाने वाले हाथों को काट दिया ताकि कोई दूसरा उसको दोबारा बना ना पाए। लेकिन दोराबजी ने कहा इस सिंबल की कॉपीज बनाओ। मुंबई में ही नहीं, कोलकाता में भी टाटा मेडिकल सेंटर है, वाराणसी में, भुवनेश्वर, प्रयागराज, मंगलोर और भारत के कई जगहों पर टाटा मेडिकल सेंटर है। सरकार के साथ हाथ मिलाकर असम, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड में भी
कैंसर फैसिलिटीज का नेटवर्क बन रहा है, क्योंकि सिंबल क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं, गिफ्ट क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है ये इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के बीच में मैंने आपसे एक झूठ बोला था कि मेहर भाई और टाटा की लव स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग नहीं थी, लेकिन सच तो ये है कि आज जब भी कोई कैंसर से ठीक होकर घर लौटता है तब उसके परिवार को एक हैप्पी बिगनिंग जरूर मिलती है। हमारे हीरो हीरोइन इस कहानी की हैप्पी एंडिंग देखने के लिए जिंदा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं है।